नहीं नहीं सब बकवास बातें हैं। और अमित शाह जी के बारे में हम क्या कहें, ये लोग खाली इवेंट मैनेज करता है, इवेंट था आगे इनको क्या लेना देना है भाई जेपी जी से। अरे इस पर सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया, चाहे साफ सफाई का ख्याल रखने का काम किया जाए, और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बोला गया है कि किसी मरीज को जो है कमी इसमें आने नहीं देनी। अच्छा, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे। संजय जायसवाल ने जिस तरीके से सवाल पूछा कि नगर निकाय चुनाव अगर नहीं होता है तो वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, इसको लेकर आरजेडी की जो बात करें, आरजेडी का कहना है कि इससे पहले भी चुनाव हो चुके हैं। यानी कि तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा कि जब 2006 में नीतीश कुमार उधर थे और जब फिर हमारे साइड आए थे उस वक्त चुनाव हुआ था और उस वक्त इस तरह की बातें नहीं हुई थी, लेकिन अब भाजपा का ये षड्यंत्र है, इस तरीके से जो नगर निकाय चुनाव को रोका जा रहा है ये भाजपा का षड्यंत्र है। साथ ही साथ अमित शाह को लेकर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा है कि इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेज करते हैं अमित शाह, उनके बारे में क्या कहना है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, और कल ये सवाल भी उठाया गया था, हालांकि तेजस्वी यादव ने डेंगू को लेकर साफ तौर से कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दे दिया गया है कि अस्पतालों की साफ सफाई रखी जाए और जो तमाम निर्देश है वो दी गई है। क्या कुछ कर रहे तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी को लेकर और साथ ही साथ बिहार में डेंगू की जो कहा जाए कि प्रकोप बढ़ रहा है उसको लेकर किस तरीके से निर्देशित किया गया है, सुनवाते हैं उस बयान। अमित जायसवाल ने आरोप लगाया है कि ये प्लान के तहत नगर निगम चुनाव कैंसिल कराया गया है, फंडिंग नगर विकास में रहे और उसका मिसयूज आप लोग कर सकें। नगर विकास मंत्री आप बकवास बातें हैं बोलिए, और हम आपको पहले भी कहे हैं ये बात, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को रखा है, कोर्ट के आदेश जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि भाई बिना आरक्षण का चुनाव नहीं कराएंगे। अगर हम आरक्षण हम नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते, हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया है वहाँ हमारी सरकार ने। तो ये फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट के बाद जो आया बिहार में, तो हम लोग जो है अपनी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बखूबी जो ढंग से रखने का काम करेंगे। लेकिन इसमें तो भाजपा, हमसे पहले मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, कौन पार्टी के पास ये विभाग जो है लंबे समय तक रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही तो पहले से ही चलता रहा, पहले चुनाव हुआ नहीं क्या, जो 2006 में भी पहले हम लोगों के समय सुप्रीम कोर्ट में था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वापस लिया और सारे दल को बुला करके बात हुई थी, हम सब दल पक्ष में था। लेकिन ये तो भाजपा को तो कुछ मिल नहीं रहा मुद्दा, तो ये इस तरह का बयान जो है अमित शाह भी आए थे वो कह रहे थे कि आप लोग जेपी के अनुयायी नहीं है क्योंकि आप लोग उस कांग्रेस के साथ गोद में जाकर बैठ गए हैं जिनका जेपी ने विरोध किया था, आप पर नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार था। नहीं नहीं सब बकवास बातें हैं, और अमित शाह जी के बारे में हम क्या कहें, ये लोग खाली इवेंट मैनेज करता है, इवेंट था आगे इनको क्या लेना देना है भाई जेपी जी से, कोई वसूल पे ही लोग चलते हैं क्या। आज जो देश में आघोषित इमरजेंसी है इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की गई, बोलना ना चाहिए कि भाई तानाशाही जो है पूरे देश में हो गया है, जयप्रकाश नारायण जी ने भी तो इमरजेंसी के खिलाफ ही आंदोलन शुरू किया था, आज के दौर में तो अघोषित इमरजेंसी है, आज कहाँ भारत सरकार में किसी की सुनवाई होती है, न कार्रवाई होती है, केवल केवल चंद लोगों की ही सरकार है और चंद लोगों के लिए ही काम किया जाता है। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या नाम? डेंगू को लेकर डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, डेंगू का हम लोग जो है रिपोर्ट मंगा रहे हैं, इस पर सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया, चाहे साफ सफाई का ख्याल रखने का काम किया जाए, और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बोला गया है कि किसी मरीज को जो है कमी इसमें आने नहीं देनी।